हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं लिटरली 2 महीने के बाद शूट कर रही हूँ। मैं लास्ट टाइम दुबई जाने से पहले मैंने कोई हॉल वीडियो शूट किया था, और एक मेरी बहुत सैड स्टोरी भी है, वो ये कि मैंने दुबई जाके शीन का ऑर्डर लगाया था, मैंने पूरा हॉल दुबई में शूट कर लिया था, बस यहाँ आके मुझे वो लाइव करना था। बट जब मैं यहाँ आई, मैंने सोचा उसको एडिट करके डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, मुझे वो क्लिप्स ही नहीं मिल रही, वो डिलीट हो गई, मिसप्लेस हो गई, क्या हो गई मुझे नहीं पता। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब पूरा हॉल जब तैयार हो, शूट हो रखा हो, बस जस्ट अपलोड बाकी हो। बट चलो कोई ना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एनीवेज, आप काफ़ी लोगों को मेरा हेयर कलर पसंद नहीं आ रहा है, उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। वो ये, जो मेरी हेयर ड्रेसर थी वो सीरिया की थी, सो मुझे कलर कुछ रेडिश टोनिक पसंद आई थी, तो मुझे वो करवाना था। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, जो मेरा हेयर रियल कलर था वो 2-3 वॉश में निकल गया। सो मुझे नहीं पता, मुझे लगा था वो सीधा कलर लगाएंगे, लाइक मैंने तो अभी तक ऐसे ही करवाया है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पहले मेरे बालों पे ब्लीच लगा दिया। मैं कभी ब्लीच नहीं लगवाती हूँ, मैं इतना डरती हूँ ब्लीच से, और वही हुआ। जब वो ब्लीच लग गया, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो वो कलर तो 3-4 वॉश में निकल गया, मेरे बालों पे बचा सिर्फ ये ब्लीच। सो अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लाइक मैं कुछ 1-2 हफ्ता एटलीस्ट अ मंथ मैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखूँ, बिकॉज बहुत हालत ख़राब हो गई। मैं और केमिकल ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाना चाहती हूँ। सो आफ्टर अ मंथ प्रोबेबली मैं ये कलर चेंज करवा दूँगी, बट तब तक आप लोग को मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो चलो अब आते हैं आज की वीडियो पे। मैं जैसे ही मैं दुबई से यहाँ आई, यहाँ आती मैंने ये ऑर्डर लगा दिया था, तो मैं पहले अपने सारा सामान ले आती हूँ। ले आती क्यों, यहीं पे रखा है, ये रहा, ये अमेज़ॉन का कहाँ से आ गया है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो ये रहे मेरे सारे पैकेट्स। मैं मीशो से 3 या 4 वीडियोस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने मीशो से कुछ इंडियन वियर या एथनिक वियर मंगवाया है। पहली बार मैंने मीशो से कुछ कुर्ता या कुर्ती सेट्स, जो भी आप उसको बोलते हैं, वो मंगवाए हैं। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, लाइक मीशो पे इंडियन वियर की क्या क्वालिटी और क्या मिलता है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है कुर्ता सेट्स फ्रॉम मीशो, कुर्ता / कुर्ती सेट्स फ्रॉम मीशो। सो खोलते हैं, हमारा फर्स्ट पैकेट। एक तो ना मुझे हर बारी हर वीडियो में मेरा यही रोना है कि मुझे वेट करना पड़ता, जब तक सारे नहीं आ जाते तब तक मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाती। कोई आ जा रहा है, कोई 10 दिन बाद आ रहा है, इस चक्कर में बहुत डिले हो जाती है मेरी वीडियोस। सो फर्स्ट है ये, पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। और ये खोलते मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कुर्ता है या टॉप है, बिकॉज मैं इसको इतना छोटा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो इमेजेस देख के मुझे समझ आ रहा है इस पे, वो ये कि एटलीस्ट ये थाई तक तो आ ही रहा है मॉडल का, जो लाइक जो पिक्चर इन लोगों ने लगाई हुई है। बट पता नहीं क्यों मुझे इसकी लेंथ बहुत छोटी लग रही है। और ये है इसके नीचे का, ये स्ट्रेट पैंट्स है। सो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है, आग यही सेंसेशनल वुमेन कुर्ता सेट से 4 कलर्स में था। मैंने, मुझे मस्टर्ड कलर थोड़ा अच्छा सा लगा तो मैंने ये मंगवाया, और मैंने ये साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया। इसकी क्वालिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो लिखी हुई है रेयॉन, फैब्रिक इज़ रेयॉन, बॉटम वेयर इज़ रेयॉन। ओके, क्वालिटी वाइज ठीक है, लाइक ये सिर्फ 350 रुपीज़ का है, सो उस हिसाब से मुझे ये बुरा तो नहीं लग रहा है। बट वही है कि मैं इससे थोड़ी सी, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पहन के पता चलेगा, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत छोटी, और एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से आप ये चीज़ देखो, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से इतना चौड़ा तो इन्हें नहीं बनाना चाहिए था इसको, वेस्ट से एटलीस्ट, कमर से। अब आई डोंट नो, इसको पहन के पता चलेगा। तो चलो पहले इसको पहनते हैं फिर। लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से मुझे कुर्ती का फिट तो ठीक लग रहा है, अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो मे बी शायद इसको कंफर्टेबली पहन ना पाऊँ, बिकॉज का स्टाइल कुछ ऐसा है। बट इसकी लेंथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी। आई डोंट नो, पता नहीं कि उसकी लेंथ मुझे अजीब सी लग रही है, थोड़ी सी और लंबी होती तो ये शायद बेटर लगता। बट ये 350 रुपीज़ का है, उस हिसाब से क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द लुक, पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। सो लाइक ओके सा ये मुझे लगा है, बाकी तो ठीक ही है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, और ये है विमेंस प्रिंटेड रेयॉन कुर्ता सेट विथ प्लाजोज। और ये भी आप जो कलर मांगो आपको ये उस कलर में मिलेगा, सारे कलर्स में ये ऑलमोस्ट, लाइक पिंक, रेड, ग्रीन, सी ग्रीन, ब्लू, और सिर्फ 370 रुपीज़ का। लाइक 370 रुपीज़ में आपको स्टिच्ड कपड़े के साथ पूरा सेट मिल रहा है, तो नॉट बैड। मैं इसको पहले खोल लेती हूँ। सो ये है इसका कुर्ता, इसकी तो मुझे क्वालिटी भी अच्छी लग रही है छू के। मैं एक बार देख चेक करती हूँ, लाइक यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है। ओके, ये भी रेयॉन है, 3/4 के स्लीव्स है, कुर्ता विद बॉटम वेयर, और साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सब में मिलता। मैंने आई थिंक ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल ही मंगवाया होगा। ओके, एक्स्ट्रा स्मॉल है ही नहीं, इसका स्टार्टिंग साइज ही स्मॉल है। सो ये मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया, बट इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है छू के, लाइक दिस इज़ नाइस। सो दिस इज़ कुर्ता, एंड ये पैसे प्रिंट हुआ हुआ है,
गोल्डन कलर का, यस दिस इज गोल्डन कलर, और ये है इसके नीचे के प्लाजोस। सो ये मुझे अच्छा लग रहा है, दिस इज नाइस, इसकी क्वालिटी एंड फील इज गुड। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये वैसे काफ़ी हद तक सिमिलर है लाइक जो फोटोज में दिखाया है उससे, और ये 370 रुपीज़ का है लाइक उस हिसाब से, तो मैं इससे खुश हूँ इसके प्राइस के हिसाब से। बट इसके फिट में मुझे थोड़ा सा इशू ये लग रहा है कि मुझे यहाँ से टाइट हो, यहाँ से बहुत ढीला है, तो मेरे को अजीब से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ जहाँ से लूज होना चाहिए ये वहाँ से टाइट है, जहाँ से टाइट होना चाहिए वहाँ से लूज है। अच्छा बेसिक सा है लाइक थोड़ा सा फिट इशूज, अदरवाइज ये मुझे पसंद आया, इसकी क्वालिटी अच्छी इसके प्राइस के हिसाब से, दिस इज सो गुड। और इसके मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, और इस पर गोल्डन प्रिंट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा, सो दिस इज नाइस। आप तो उसको इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हो, प्लस स्लीव्स इतनी है तो आप कंफर्टेबली आराम से कहीं भी कैसे भी इसको पहन के जाओ। तुम दोनों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। करीब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो नेक्स्ट जो है वो कुछ ऐसे पैकेट में आया है, मे बी शायद ये उन दोनों से महंगा है, बिकॉज ये 703 703 रुपए का है। एंड दिस इज मॉडर्न फ्लेयर जॉर्जेट कुर्ती। वेट, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ये शायद ये, एक तो ना मुझे पिक्चर्स मैच करना पड़ रहा है। सो ये है जिवीवा डिज़ाइनर प्रेजेंट्स प्रिटी मॉडर्न फ्लेयर जॉर्जेट कुर्ती सेट। ओके, सो ये मैंने स्मॉल साइज मंगवाई थी, बट अभी स्मॉल आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। सेट विद अट्रैक्टिव दुपट्टा फॉर वुमेन, इसका मटेरियल इज जॉर्जेट। सो ये कुछ फ्रॉक सूट टाइप नहीं होता। सो दिस इज़ कुर्ती एंड ये फ्रॉक स्टाइल में है। मुझे एक चीज़ जो लग रही है वो ये कि ये काफ़ी सी थ्रू है, मुझे इस लाइक पिक्चर में देख के पता चल रहा है सी थ्रू, बट इसमें इतना नहीं लग रहा, बट आई थिंक ये तो काफ़ी होने वाली है। सो ये अपर है इसका, एंड फॉर बॉटम्स वी हैव इज दिस प्लाजो, प्लाजो या स्ट्रेट पैंट्स टाइप ही लग रहा है ये, मुझे प्लाजो तो कम ही लग रहा है, बट आई थिंक ये इसका मटेरियल ये थोड़ा सा उन्होंने मोटा रखा है, तो वो सी थ्रू वाला चीज़ इससे कवर हो जाएगा, बिकॉज वरना आपको इसके अंदर कुछ पहनना पड़ता। एंड साथ में दिया है ये दुपट्टा, ठीक है लाइक क्वालिटी मुझे इसकी बुरी नहीं लग रही है, क्वालिटी इज़ गुड, बाकी इसको पहन के पता चलेगा। तो चलो लेट्स ट्राई दिस। इसको लेके मेरे मिक्स से फीलिंग्स हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये अच्छा लग रहा है ये बुरा। तुम दोनों को कैसा लग रहा है? ठीक, कैसा लग रहा है? बुरा नहीं है। कैसा लग रहा है भाई? ठीक ठीक लग रहा है। लाइक ये 700 समथिंग का है, उस हिसाब से ये मुझे बहुत ओके ओके सा लग रहा है। एक तो मुझे इसका फिट नहीं अच्छा लग रहा, प्लस ये कुछ ऐसा सी थ्रू, प्लस यहाँ से आई डोंट नो, मेरे को नहीं समझ आ रहा। और ये है इसका दुपट्टा, मैंने ये साइज़ फोटोज़ में देख के बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने इसलिए मंगवा लिया, बट इन रियलिटी तो ये मुझे, मैंने ये स्मॉल साइज में मंगवाया था, अभी इसका स्मॉल है भी नहीं, है भी नहीं। वैसे यहाँ पे मैंने, मेरे को ना आई थिंक इसका ये रिव्यू पढ़ लेना चाहिए था, इसके रिव्यू में लिखा है वेरी बैड, मीशो दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं, बहुत ही घटिया, मतलब बहुत ही बेकार है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। आई थिंक मुझे रिव्यूज़ एक बार देख लेने चाहिए थे, मैं जस्ट फोटोज़ देख के मंगवा लेती हूँ। सो दिस इज़ लाइक प्राइस के हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, सो ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक यही है स्टाइलिश विमेन गोटा पत्ती वर्क कुर्ती प्लाजो सेट, ये भी मुझे फोटोज में देख के बहुत सुंदर लगा था, तो मेरा मन हुआ इसको मंगवाने का, और ये सिर्फ 492 रुपीस का था। सो दिस इज कुर्ती, ये कुर्ती मुझे फिर भी अच्छी लग रही है, लाइक एटलीस्ट कुछ तो मेहनत की है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन तो नहीं दे दी, जो फोटोज़ में उससे थोड़ी सी लाइक काफ़ी सिमिलर लग भी रही है ये, एंड क्वालिटी इज़ आल्सो गुड। और बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है इसका, एंड दिस इज़ प्लाजो, प्लाजो इसमें काफ़ी घेर वाला, लाइक वो इतना घेर वाला है, मुझे पहले लगा था वो शायद स्कर्ट है, बट ये तो ठीक है, बाकी क्वालिटी तो इसकी ठीक है, देखने में थोड़ा सा सिमिलर सा भी लग रहा है। और ये सिर्फ दो कलर्स में था, लाइक ग्रीन एंड आई थिंक ये मजेंटा, नहीं कुछ पर्पलिश एंड पिंक सा कलर है मिक्स सा। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने इसको स्मॉल साइज मंगवाया था, बट उस हिसाब से ही मुझे लूज है, बट अच्छा है कि आप इसको अपने हिसाब से फिट करवा सकते हो। सो अगर ये कुछ ऐसा तो ऐसा होता तो ये नो डाउट बहुत अच्छा लगता। इसका जो ये गोटा पत्ती का वर्क है इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर फील दे रहा है, लाइक इसको शादीज या फंक्शंस वगैरह में पहन के जा सकते हो। सो अदरवाइज पहनने के बाद इसका काफ़ी हद तक लुक सिमिलर सा हो गया, बट फोटोज में जो इसकी स्लीव्स है वो फुल है, बट ये 3/4 स्लीव्स है, बट वहाँ लिखा है कि लाइक 3/4 स्लीव्स होंगी। कलर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सो ठीक है, लाइक 490 समथिंग में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, सो मुझे ये ठीक लगा, इट्स नाइस। नेक्स्ट इज वसंस ब्यूटीफुल नायरा कट कुर्ती विथ पैंट सेट, कुर्ती विथ नेक हैवी, ये 753 रुपीज़ का है।
लेट्स सी कुर्ती विद नेक हैवी, तो बहुत अतरंगी से नाम इन लोगों ने मीशो पे लिखे होते, बहुत लंबे लंबे नाम लिखे होते, सिंपल लिख दो ना पर्पल कलर पर्पल कुर्ता सेट ऐसे कर दो, एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करके लंबे लंबे नाम बनाए होते हैं। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, लाइक 750 रुपीज़ के हिसाब से। ओके सो दिस इज कुर्ती, लाइक मैंने सब कुछ साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में ही नहीं, ये मीडियम में, आई थिंक ये शायद साइज मीडियम से ही स्टार्ट हुआ होगा तभी ये मुझे इतना बड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे ये नेक पे जो वर्क रखा है ये भी काफ़ी हैवी है, इसको तो आप आराम से अपनी पार्टीज वगैरह में भी पहन के जा सकते हो, प्लस कंफर्टेबल भी रहेगा, स्टाइलिश भी लगेगा। एंड दिस इज इसके नीचे की पैंट, पैंट का कपड़ा भी काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड यहाँ पे ये वर्क हो रखा है, सो उससे इसकी पैंट्स में वो पार्टी वेयर फील आ गया। एंड दिस इज दुपट्टा, एंड दुपट्टा में भी थोड़ी सी मेहनत की है, सी यहाँ पे लेस लगाई हुई है पूरे में चारों तरफ, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये वाला मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसके कलर्स बहुत प्यारे और ये सिर्फ 753 रुपीज़ का, हिसाब से इसका क्वालिटी सो गुड, इतना हैवी इसमें वर्क दे रखा है इन लोगों ने। बट इसके एक जो मुझे इशू आ रहा है वो ये कि मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ना आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इसकी और डिटेल्स देख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि ये मुझे काफ़ी लूज़ है, बट यहाँ पे दो डोरियाँ हैं, सो या तो मे बी ये इसलिए हुई है, उसको से टाइट करो शायद, या तो ये किसी लंबे इंसान के हिसाब से बनी होगी, बिकॉज मैं अगर टाइट कर रही हूँ यहाँ से तो ये बहुत गंदा लग रहा है, तो ये ऐसे ही लटकी रहेंगी, या तो मे बी ये कुछ ऐसे होता, ऐसे टाइट करके तो मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है अगर मैं ये निकलवा दूँ तो। सो ये है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा ही बहुत अच्छा है, इस पर भी जैसे मैंने पहले बताया था पूरा प्रॉपर लेस वर्क कर रखा है, सो ये तो लाइक आप इसको कैजुअली भी पहन सकते हो, प्रॉपर पार्टी वेयर भी ये फील दे रहा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसको समर्स में ऐसे भी पहनोगे तो आपको ये, और इसका जो ये लेस वर्क ये भी चुभ नहीं रहा है, तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है कि इसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो और इसकी जो पैंट्स है वो मुझे थोड़ा थोड़ा लाइक पैंट वाला फील तो दे रही है, बट थोड़ा सा सलवार वाला फील भी, जब आपको ऐसे समझ आएगा आप ऐसे देखोगे ना तो उसका जो कट है ना वो थोड़ा सलवार शेप का है, सो वो चीज़ ही मुझे इसकी अच्छी लगी, सो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया, दिस इज़ रियली नाइस। नेक्स्ट जो है वो है कुर्ती धोती विद स्कार्फ सेट, सो मैंने कुछ धोती में ही मंगवाया है, इसका वैसे पूरा नाम लिखा हुआ है जे टरी टॉपीज विमेंस मैरून कुर्ती धोती विद स्कार्फ सेट, ये चार कलर्स में थी बट मुझे ये मैरून कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने ये मंगवाया। सो दिस इज़ कुर्ती, ओके दिस इज़ नाइस, ये कुर्ती मुझे अच्छी लग रही है, एंड दिस इज़ धोती, धोती का प्रिंट बहुत ही प्यारा है, ओह दिस इज़ धोती एंड क्वालिटी भी अच्छी है, एंड ये सिर्फ 504 रुपीज़ का है, तो उस हिसाब से तो, एंड दिस इज स्कार्फ, ये गले में डालने का स्कार्फ है, एंड ये मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया बिकॉज एक्स्ट्रा स्मॉल में ये था नहीं, एंड इसका क्वालिटी इज रेयॉन, तो चलो इसको ट्राई करते हैं, बाकी बातें करेंगे इसको पहनने के बाद। इसको तो पहनते ही मुझे वो गाना नहीं है नगाड़ा 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 बजा, उस पर डांस करने का मन कर रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। जब मैंने इसको खोला तो मुझे लगा था कि ये कितना लूज सा होगा, बट नहीं, मुझे इसका फिट बहुत अच्छा लगा, कई बार कपड़ा देख के नहीं समझ आता ना कि आपको अच्छे से फिट होगा या नहीं, बट इसका क्वालिटी, इसका लुक, इसका फिट इज सो गुड, और ये सिर्फ 504 रुपीज़ का। पहली बार कुछ ऐसा मैंने मीशो से मंगवाया जो मुझे, जिससे मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ। इसका स्कार्फ भी है, वो मैंने अभी लगाया नहीं, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सो ये शायद आगे रहेगा, ये कुछ ऐसे आगे रहेगा, और ये दोनों ऐसे घूम के आएंगे, लाइक फोटो में तो ऐसे ही पहना हुआ है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ। बट एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये कि पिक्चर में जो स्कार्फ है मुझे बड़ा लग रहा है, ये बहुत छोटा सा पीस है, तो इसीलिए वो बिल्कुल सेम लुक नहीं आ पा रहा। स्कार्फ लगाने के बाद तो ये मुझे और स्मार्ट लग रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा फ्रॉम मीशो, लाइक आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। कलर कॉम्बिनेशन ये इसके अलावा भी चार कलर्स में था, क्वालिटी, कपड़ा, फील सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है ये मुझे पहनने के बाद, इतना अच्छा फील ये स्किन पे दे रहा है, और इसको तो मैं रखने वाली हूँ, लाइक ये तो मैं अपने लिए ही रखने वाली हूँ, यूजुअली क्या होता है मीशो के कपड़े लेके बांट देती हूँ यहाँ वहाँ, बट ये मुझे इतना पसंद आया कि इसको मैं खुद पहनूंगी। मैं इसको सर पे लगा के देखती हूँ, आप भी बोल रहा है कि सर पे लगा के हिमाचली लगेंगे, सो इसको सर पे बांध के देखती हूँ स्कार्फ को। हिमाचल कैसे था वो, कैसे था वो स्टेप, ऐसे नहीं था, मैं तो भूल गई, वो टिकटॉक का ट्रेंड था ना, नहीं ये था शायद हिमाचल वाली। सो मैं बिल्कुल, ये तो पूरा हिमाचली लुक भी बन गया, और ये इससे मैं पंजाबी लुक भी बना सकती हूँ, इससे मैं पहाड़ी लुक भी बना सकती हूँ, सो ये मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज लाइक समथिंग, अगर आप ये लेना चाहते हो फ्रॉम मीशो तो आप इसको आग बंद करके लो।
नेक्स्ट जो है वो है कुर्ती शरारा दुपट्टा, और ये तो मुझे फोटोज में बहुत ही सुंदर लगा था इसलिए मैंने इसको मंगवाया। बस मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सीन हो। एंड ये भी मैंने साइज एक्स्ट्रा स्मॉल भी मंगवाया है, यस, और सिर्फ 488 रुपीज़ का है ये, ओनली 488। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है यार, इसकी क्वालिटी इज सो गुड, सही में ये बहुत अच्छा है। लेट्स चेक दी कुर्ती एंड प्लाजो, ये प्लाजो सेट ही है ना, शरारा, दिस इज शरारा, ओके। लाइक शरारा जो फोटोज में मैं देख पा रही हूँ वो काफ़ी बड़ा सा, बहुत सुंदर सा है, बट इसमें कोई ढंग से फ्रिल्स नहीं है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े फ्रिल्स है तो बहुत प्यारा लग रहा है, बट इसमें तो इन्होंने बहुत काम चलाओ सही काम कर दिया है, कोई ना, चलो ये है। एंड ये है इसकी कुर्ती, कुर्ती भी लाइक पिक्चर से बहुत डिफरेंट है ये, बट ठीक है, मुझे लगा था कुछ सेम सा आ जाता तो मज़ा आ जाता, बट ये बहुत अलग है, मैं फोटो लगाऊंगी तो आप लाइक यू कैन मेक आउट मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक सबसे पहले तो मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल मंगा के गलती कर दी, ये मुझे यहाँ से बहुत टाइट है, देख के मुझे लगता है लूज होगा, बट ये गलत है, मुझे हो जाती है, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ। सो ये कुछ लाइक बहुत ही अलग सा लग रहा है पिक्चर से, द ओनली थिंग दैट इज सिमिलर इज कलर, कलर बिल्कुल सेम है जो फोटोज में, उसके अलावा लुक बहुत डिफरेंट है। सो ये मुझे ओके ओके से लगा, किसी क्वालिटी अच्छी है। बेटी इसका दुपट्टा है, मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। सो ये इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा मुझे नो डाउट बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, अच्छी है, बट मैं इसके लुक से आई एम नॉट हैप्पी। मैं फोटोज में बहुत सुंदर मुझे लगा था तो मैंने इसको मंगवाया, बट दिस इज लाइक ओके ओके। नेक्स्ट है स्लीवलेस मल्टी कुर्ती विद प्लाजो, सिर्फ 369 रुपीज़ का। ये मुझे थोड़ा सा वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स वाला फील दे रहा था तो इसलिए मैंने मंगवाया। बहुत ही प्रिटी से कलर्स और वो स्लीवलेस सा कुर्ता, जैसे मैं अभी जब कॉलेज जाती थी तो मैं पहन के कभी कभी जाया करती थी, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। ओके, सो दिस इज कुर्ती, शोल्डर स्ट्रैप्स है इसके, एंड दिस इज प्लाजो। प्लाजो तो मुझे कम ही लग रही, जितने प्लाजो मीशो से आए मुझे पैंट्स का फील ही वो ज़्यादा दे रहे हैं। इसमें मुझे देख के जो लग रहा था लाइक प्रिंट सेम है क्या, आई डोंट नो, प्रिंट मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है फोटोज़ में। ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल में नहीं है तो मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया था, बट इसकी क्वालिटी मुझे आई डोंट नो, मुझे इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई है, बहुत ही गंदा सा ये मुझे कपड़ा लग रहा है। लाइक मैंने इसी प्राइस में और भी चीज़ें ट्राई की, उनकी क्वालिटी अच्छी थी बट इसकी नहीं मुझे लगी। एनीवे इसको ट्राई करते हैं। सो पहनने के बाद नो डाउट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और माही को तो ये बहुत ही पसंद आया, क्यों माही, है ना, माही तो मुझे पहनते ही बोलती कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स वाला फील दे रहा है, पूरे स्प्रिंगी से समरी से कलर्स हैं इसके। बट बस मुझे इससे जो इशू है वो मुझे इसके क्वालिटी से है, ये मुझे वेस्ट से थोड़ा सा लूज लग रही, थोड़ा सा और प्रॉपर टाइट होता तो ये बहुत ही और भी ज़्यादा अच्छा लगता। चलो कोई ना, वो तो अपने हाथ में आप इसको आराम से ऑल्टर करवा सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट इसका मुझे कपड़ा नहीं पसंद आया, लाइक बाकी का कपड़ा इससे अच्छा था तो मैं इससे भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, प्रिंट वगैरह सब सही लग रहा है इसका। नेक्स्ट इज विमेन स्टेप कुर्ती एंड पैंट सेट, तो दिस कुर्ती एंड पैंट बिल्कुल बेसिक प्लेन कुर्ती ही है ये, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्लेन हो गई, बस यहाँ पे ये लेस लगाई हुई है इन्होंने थोड़ी सी। सो दिस इज कुर्ती एंड ये है इसके नीचे की पैंट्स, बहुत ही बेसिक सी कुर्ती सेट है ये, ये तीन कलर्स में और अवेलेबल है। आई थिंक ये इतनी ही प्लेन है, इसमें भी काफ़ी प्लेन है, बट इसमें कुर्ती में यहाँ पे भी डिज़ाइन हो रखा है, इसमें नहीं हो रखा ना, नहीं, जो फोटो में जो कुर्ती है ना उसमें यहाँ पे भी लेस वर्क हो रखा, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा अस्तर वाला फील नहीं आ रहा है, जो इस वक्त इसको देख के ऐसा लग रहा है अस्तर पहन रहे हो आप, बस इससे फिर भी पता चल रहा है कि ये कुर्ती ही है। आई डोंट नो इन लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं लेस लगाया, यहाँ पे लगा देते तो एटलीस्ट वो सेम और अच्छी लगती। चलो कोई ना, इसको पहन के देखते हैं। इसने बस मुझे वही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा है, यही मुझे पहनते पीहू माई ने बोला कि बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं लग रहा। लाइक फोटोज़ में यहाँ पे स्टिल वो वर्क था, लाइक वो लेस कोटा पत्ती कुछ तो उन लोगों ने काम किया हुआ था, बट पता नहीं क्यों इसमें नहीं लगाया। उसके अलावा इसके मुझे फिट से भी थोड़े इशूज़ है, यहाँ से भी मुझे अजीब सा ढीला हो रहा है, यहाँ से भी इसका फिट प्रॉपर होता तो एक बार को फिर भी मैनेज कर लेते, बट ये
इस एरिया से मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा प्लेन फील दे रहा है, ऐसा लग रहा बनियान पहना हुआ है। बाकी उसके अलावा तो लाइक ठीक है, बेसिक सा प्लेन सा कुर्ता सेट है। सो दैट्स इट गाइस, मैंने इतने ही कुर्ता सेट्स मंगवाए थे, लाइक 8 to 9 मंगवाए थे, आई गेस हाँ 9 मंगवाए थे। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे काफ़ी अच्छे लगे एटलीस्ट क्वालिटी वाइज। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी मैं ना काफ़ी टाइम से मैं सोची थी मैं ब्लाउज स्टिच करवाती हूँ, तो मैं यहाँ से कपड़ा खरीदती हूँ, फिर वो टेलर को देती हूँ, टेलर इतने पैसे मांगते, तो मेरे एक ब्लाउज 800 या 900 पहुँचता है। तो उस हिसाब से आपको पूरा स्टिच किया हुआ कुर्ता सेट मिल रहा है, 400-500 की रेंज में आपको पूरा सिला हुआ कपड़ा मिल रहा है, तो उस हिसाब से आई एम रियली इम्प्रेस। एक दो आर्टिकल्स तो मुझे बहुत ही पसंद आया, लाइक वो धोती वाला सेट, वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और एक दो चीज़ें और है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा, हो सकता है कुछ चीज़ जो मुझे पसंद आई हो मे बी वो आपको अच्छी लगी, वो तो हम लोगों के कोई ना इतना चॉइसेस तो वेरी करते हैं, इट्स ओके। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, और मुझे कमेंट्स में फटाफट बताओ आप और क्या क्या वीडियो देखना चाहते हो। वैसे मैंने खुद भी काफ़ी सारी वीडियोज़ प्लान की हुई हैं, बट आप लोगों के सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, पीयू माई को स्पेशल थैंक्स। ये जो आप सामान देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ दिखाया पी, ये सब इन्होंने मेरे लिए पैक करके रखा है। सो ये है मेरी छोटी छोटी क्यूट सी हेल्पर्स जो हमेशा मेरी हेल्प के लिए आ जाती हैं, और लकली आजकल ऐसा हो रहा है मैं जब भी ये हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ ये यहीं पे होती हैं, लाइक काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है, सो भगवान।